शहर में आगामी मानसून को लेकर बिजली कंपनी ने तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी द्वारा इस वर्ष बदलते मौसम को देखते हुए मेंटेनेंस का कार्य फरवरी माह से ही शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ग्रिड, बिजली लाइन और ट्रांसफार्मरों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कंपनी ने शहरी क्षेत्र में स्थित 11 केवी के फीडरों की संख्या में भी इजाफा किया है। पहले शहरी क्षेत्र में 11 केवी के 15 फीडर थे, अब इनकी संख्या 19 कर दी गई है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा शहर के उमरखली रोड पर एक सब ग्रिड का भी निर्माण कराया जा रहा है। यह बात गुरुवार को बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री श्रीकांत बारस्कर ने कही। उन्होंने बताया कि लगातार बदलते मौसम के कारण बिजली कंपनी के कर्मचारियों को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है ट्रांसफार्मरों की और मीटर भी बढ़ाए गए, किस प्रकार से? उपकेंद्रों की कैपेसिटी पहले खरगोन शहर अंतर्गत 38 MVA की थी, जिसको हमने बढ़ा के 62 MVA कर दिया, लगभग डबल हो गई है। एक नया ग्रिड भी हमारा बन रहा है उमरखली रोड पे 5 MVA का, उससे भी उपभोक्ताओं को बहुत सुविधा होगी। पहले 16 फीडर हुआ करते थे, अभी 19 11 केवी के फीडर कर दिए, तो फीडर की लंबाई भी कम हुई है, तो उससे निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्वक बिजली मिलेगी। इस बार किस प्रकार की व्यवस्थाएँ की जा रही है, जो वर्तमान समय में मौसम बार बार परिवर्तन हो रहा है, लाइनों के मेंटेनेंस में किस प्रकार की एहतियात बरता जा रहा है, क्या व्यवस्था की जा रही है वर्तमान? इस बार हमने मानसून पूर्व का मेंटेनेंस जो था हमने फरवरी से स्टार्ट कर दिया था, जब थोड़ा ठंडा मौसम था उस टाइम से हमने पोल टू पोल एक तो उसकी मेंटेनेंस करवाए, 33 KV का मेंटेनेंस करवाए, ग्रिड का मेंटेनेंस करवाए, 11 KV का मेंटेनेंस करवाया। जिस ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा है उसका भी हमारा मेंटेनेंस अभी चल रहा है, और जहाँ से भी कोई कंप्लेंट आ रही है किसी उपभोक्ता की किसी टाइप की, तो उसको भी हम संज्ञान में लेके उसका भी मेंटेनेंस हम करा रहे हैं। साथ ही साथ शहर में हमने जो हमारी बड़ी ग्रिड है, सब स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसको विगत 2 साल पुराने से हमने डबल कर दिया है, और जो हमारे 11 KV के फीडर होते हैं उसकी भी हमने संख्या बढ़ाई है, ताकि इनकेस अगर कोई फॉल्ट आता है तो कम से कम उपभोक्ता प्रभावित हो, लाइन छोटी रहेगी तो हमारा जो फॉल्ट क्लियर करने का टाइम रहेगा वो भी कम होगा। निश्चित तौर पे हमने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है ताकि हमारे उपभोक्ता परेशान हो। पोल भी कुछ बदले गए हैं शहर में? शहर में तो कुछ ज़्यादा हम नहीं बदले हैं, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो जर्जर अवस्था में पोल थे विगत वर्षों में इस टाइप के कुछ 300 के आसपास हमने पोल आइडेंटिफाइड किए थे, उन 300 पोलों को भी हमने बदला है। उसका परिणाम है कि अभी जो 2-4 बार से जो हवा आदि चल रही है उसके अंदर भी उपभोक्ताओं को अच्छी सुचारू व्यवस्था बिजली मिली है। श्रीकांत बारस्कर, कार्यपालन यंत्री, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।